मैं चार बातें रखना चाहता हूँ। पहले चारों बिंदु बता देता हूँ, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म कर दिया गया, खट्टर साहब को ख़त्म कर दिया गया, एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के CM से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पर अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के CM पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं, मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, RSS BJP, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी
लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, तीन चार दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहाँ से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। जो देश का माहौल है और चार चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे अब समझ में आया है चार चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे, यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम उसको तो फॉलो किया जाएगा, इसी से पता लग जाएगा। एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये है कि भाजपा किसी के सगे नहीं है और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर
एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।